विगत वर्ष गुड़िकार जमीती भाव में बर्तमान बड़ अपडेट आसूची पाखेला बात्या बढ़िला पवन केन्द्रापड़े बढ़िला पवन बेग पूर्वर पवन बेग जमी अनुभूत होता केन्द्रापड़ा बर्तमान ताठू अधिक बढ़ी जाइए और भितरकनिका धामरा निकटने लैंडफॉल कर लैंडफॉल बेले 100 ରୁ 125 किलोमीटर रहिबा पवन वर्तमान पर्यंत जमी भाव तार बेग देखा मिलूँ 10 किलोमीटर बेगर यह बात्या गति करुँचे और बर्तमान बात्या पाखौची धीरे धीरे उपकूल आड़क धीरे धीरे कूल छुईवा बेलू पवन बेग बढ़ी जाइए। एक्सक्लूसिव दृश्य आप देखुं जो भाव में लैंडफॉल टाइम कथा कहुई केन्द्रापड़ा दृश्य आप देखुं पवन बढ़ी जाइए पूर्वर जहाँ धीरे लगुला हुए तो ताहा कमीजो बोली केते जणा अनुमान कहूँ जे राति जति अनेक हम राति जो बढ़ से पवन रेग बढ़ दृश्य टीवी स्क्रीन में देखिपुं। ये हूँ केन्द्रापड़ार दृश्य जोठी पवन रेग बर्तमान सुधा 70-80 किलोमीटर बेगर पवन बहुची सहित जितेबाला भितरकनिका और धामरा मध्य लैंडफॉल करते पवन रेग 125 अर्थात 110 ରୁ 120 बेग रहा पवन रेग सहित झटका पवन 125 छुईव। एक्सक्लूसिव चित्र आप देखुं बात्या को नहीं टेक्निक खबर न्यूज से समय जो साउंड आसूची जो शब्द आसूची मन में भय सृष्टि करुच्ची गौतम आम से शब्द को दर्शकों को शुणेवा कहीं ये से ही शब्द जहाँकि बात्या पूर्वर से अजणा भय की मन में आणुची से आशंकाटी मन में आणुची निहत भाव में आम यही कहूँ जितेबाला पारादीप 150 किलोमीटर दूर रही बात्या समान रेखार आसूची बात्यार बेग धीरे धीरे कमी चली आम देखुलू 15 किलोमीटर घंटा प्रति था परवर्ती समय 13 में पहुंचला 10 किलोमीटर अर्थात चली तेणु बात्या जदिव धीरे धीरे आसूची किंतु कहु राति 12टा पर लैंडफॉल अर्थात 12टा भितर लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो लैंडफॉल प्रक्रिया दीर्घ 3 घंटा ରୁ 4 घंटा धरी चलो किंतु पवन वर्तमान सुधा जहाँ 7टा बाजिबा को आसूची पवन रेग आप देखिपे टीवी स्क्रीन माध्यम वर्तमान पवन रेग 60 ରୁ 70 रही अच्छा जेमि आपरे पवन रेग वर्तमान अनुभव हेउछि निहाती आमे कैलाश प्रतिक्रिया देछि बा कैलाश टिक आपनोठु जानिबा को चाहिबो पूर्वर गोटे घंटा पूर्वर जेमि केन्द्रापड़ार स्थिति थिला वर्तमान कोन परिवर्तन होइछि केते पवन रेग अछि केते मात्रा रे भय केन्द्रापड़ावासी को मन रे अछि निहत कह बात्या ना शुणिले ही सम केन्द्रापड़ावासी शंका रही है कारण जब विशेष भाव में जेहतु उपकूल अंचलवर्ती अंचल रही विभिन्न समय भोली दुर्विपाक आसी था तेज कह आज कथा कह जेहतु कह 2 घंटा तले जो भी भाव में पवन रही वर्षा रही कि कह धीरे धीरे जिते निकटतर होती बात्या लैंडफॉल करने निकटतर होती से कह ये केन्द्रापड़ा विभिन्न स्थान में धीरे धीरे कह पवन प्रकोप बढ़ार लगी जब कह घंटे तले जो भाई जी कि परिमाण जोरे पवन होता कि वर्तमान परिस्थिति भिन्न हो पवन गति धीरे धीरे वृद्धि पाई सकाल विभिन्न स्थान अपराह्न ठार् जब कह अनेक स्थान में छोट छोट गुड़िक उपुड़ी पड़ता तो क्योंकि भांगी पड़ता जो अनेक स्थान में जो रही होर्डिंग गुड़िक उपुड़ी पड़ता कि कह जो राति बढ़ू निहत भाव में लोकों मध्य एक आशंका बढ़ू भय बढ़ार लगी कारण जहाँ आकलन केन्द्रापड़ा निकटवर्ती अंचल जो लैंडफॉल कर धीरे धीरे गोटे चिंता भी लोक घर जो मैंने नदीकूलिया अंचल रही जो मैंने नदीकूलिया गाँव अच्छी से भीतर भी भय रुक पवन और सहित पानी उठा को नहीं निहत कह जेहेतु कह विभिन्न समय जो समुद्र अशांत रही था जो बात्या लैंडफॉल कर तेणुक समुद्र में पखापाखि जहाँ आकलन कर 2 मीटर रू अधिक उच्चतार जुआर आसो कारण जब कह आज तालचुआ कथा कह पेंठ कथा कह जो महाकालपड़ा कथा कह समुद्र कूलवर्ती अंचल रही सेठार समुद्र लुणा पानी विभिन्न अंचल को माड़बार लगी कारण जो समुद्र अशांत रही धीरे धीरे समुद्र पानी गुड़िक उपरकू उठार लगी जहाँफल नदी में कह जुहार अधिक रही समुद्र तुलन जो चाष जमी रही से अंचल से गुड़िक पानी भर्ती होती है तेज कह जो धीरे धीरे राति बढ़ू जो लैंडफॉल समय पकड़ निहत भाव में यार अधिक परिमाण हम ताफल कह लोक मैंने जिला कथा देखा जो सब जिला को आलर्ट रखा पानीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सेठारे इवाकुएशन प्रोसेस तो कंप्लीट हो सारी लोक मानक बात्या आश्रय स्थल में रखा केन्द्रापड़ा बर्तमान पर्यंत केतोटी बात्या आश्रय स्थल कर केमिति कौन थैथान कर किसी सुविधा मिलला कि ना खाद्यर व्यवस्था निहतान कह जिला जो 170 बात्या आश्रयस्थल रही या बाद जब कह 300 अधिक मोट स्कूल गुड़िको बात्या आश्रयस्थल रूपे मोट 534 बात्या आश्रयस्थल प्रस्तुत कर लोक स्थानांतरित कारण गत काली जो लोक स्थानांतरित कर लोक मैंने अराजी रही है कि जो आज सका पवन धीरे धीरे बढ़ीता और वर्षा कुआकुआ अधिक वर्षा आसाला कौटी काँ भाग गछ मागवार नजर आसाला यापर जब कह जो कच्चा घर रोते नदी कूलिया अंचल रोते समुद्र तटवर्ती जो कूल रोते से धीरे धीरे स्वतप्रत भाव में केन्द्रापड़ा बर्तमान समय 60 ରୁ 70 किलोमीटर वेगर पवन रोचे राति